दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भास्कर देव पांडे। आप देख रहे हैं सीधी मीडिया 24 न्यूज़ चैनल। तो आज हम दिखाएंगे नवीन बस स्टैंड जमोड़ी के पास। नगर को मिनी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए निर्माण स्थलों को चिन्हित किया गया है। स्थलों पर निर्माण कार्य की अनुमानित लागत तय की गई है, जहाँ शहर के जमोड़ी नए बस स्टैंड को लगभग 350 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। आपको बता दें कि जरौधा बस स्टैंड योजना से बाहर है। मुख्यमंत्री द्वारा नगर को मिनी स्मार्ट सिटी बनाए जाने की घोषणा के पश्चात जरौधा नवीन बस स्टैंड बनाए जाने की चर्चा पर पानी फिरता नजर आ रहा है। कारण यह है कि इससे पहले तक काफ़ी चर्चा थी कि जरौधा में नया बस स्टैंड बनेगा, लेकिन मिनी स्मार्ट सिटी के तहत नवीन बस स्टैंड को सर्व सुविधा युक्त बनाने के लिए टेंडर कराए गए हैं। जाहिर है कि नवीन बस स्टैंड सुविधा युक्त बन जाने के बाद दूसरी जगह बस स्टैंड बनाने पर कुछ वर्षों के लिए तो योजना पर विराम तो लग ही जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्शन लिमिटेड द्वारा मिनी स्मार्ट सिटी हेतु जारी की गई निविदा आमंत्रण में जरौधा बस स्टैंड निर्माण कार्य को योजना से बाहर रखा गया। बता दें कि नवीन बस स्टैंड में रहने वाली सुविधाएं, नगर पालिका परिषद सीधी द्वारा बनाए जाने वाला यह नवीन बस स्टैंड सर्व सुविधा संपन्न होगा। विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त नवीन बस स्टैंड में रनिंग बसों के लिए अलग तथा वेटिंग बसों के लिए अलग प्लेटफार्म बनाए जाएंगे। इसके अलावा यात्री प्रतीक्षालय, कंटीन, पुलिस चौकी, वाहन स्टाफ रेस्ट रूम, दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्थल, महिला पुरुष शौचालय, रेस्टोरेंट, टिकट बुकिंग काउंटर के साथ करीब आधा दर्जन दुकानें एवं अन्य आवश्यक निर्माण कार्य शामिल हैं। शहर में कम होगा वाहनों का दबाव। आपको बताते चले कि बस स्टैंड का मुख्य मार्ग रीवा सीधी रोड से जोड़ दिया जाएगा, जो कि नई रोड बनके कंप्लीट हो रही है, जिसे मेन गेट के रूप में विकसित किया जाएगा। आपको बता दें कि हमारे सीधी जिले में करीब 300 बसें रोजाना बस स्टैंड से होकर निकलती हैं। आपको बताते चलें कि यह आजकल बस स्टैंड न होने की वजह से रोड के किनारे तिराहे और अन्य जगहों पर खड़ी रहती हैं और आए दिन इनमें असुविधा देखने को मिलती है। सीधी नगरवासियों को बेसब्री से है बस स्टैंड का इंतज़ार। अब गौरतलब होगा कि यह कब तक यह नागरिकों के लिए खोल दिया जाता है और बस स्टैंड सर्व सुविधा संपन्न होकर नागरिकों को सुविधाएं कब तक प्रदान कर पाएगा। हालांकि इसमें अभी पुताई या अन्य कार्यक्रम के तहत बहुत से काम होने अभी बाकी हैं। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सीधी मीडिया 24 से लाइव तस्वीरें। बने रहें हमारे साथ और फिर हम मिलेंगे इसी तरह के किसी अन्य वीडियो और लेटेस्ट समाचार के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिंद। बन चुका है और कितना और इसमें अभी समय लगेगा तो आप ये देख सकते हैं। ये न्यू बस स्टैंड जिसमें कंप्लीट हो चुका है, इसमें पुताई चल रही है।